हेलो वेलकम बैक टू निहिल्स चैनल. आई एम लक्ष्य. अरे हेलो एंड वेलकम टू निहिल दीदीज चैनल. आई एम हिज एल्डर ब्रदर एंड टुडे वी आर गोइंग टू यंगर. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज मैं वापस एक वीडियो लेके आई हूँ विच इज रिक्रिएटिंग आर ओल्ड पिक्चर्स. तो हम लोग कुछ दिन पहले ओल्ड पिक्चर्स देख रहे थे हमारी, एंड वी सॉ कि हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं हमारी ओल्ड पिक्चर्स को लेके. सो आज हम करने वाले रिक्रिएटिंग आर ओल्ड पिक्चर्स पार्ट वन. राउंड वन जो है उसमें सबकी एक एक सोलो पिक्चर होगी, वो रिक्रिएट करेंगे. सेकंड होगी एक पार्टनर के साथ, तो दो लोग होंगे जो पेयर बना के अपने क्लोथ्स चूज करके वो रिक्रिएट करेंगे सेकंड फोटो. और थर्ड होगी जिसमें हम छह हैं और हम लोग वो पिक्चर रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गो. सो ये है प्रेजेंट नियोनिका और इसकी ओल्ड फोटो है यहाँ पे कैमरा में. हाँ यहाँ पे इसकी ये है ओल्ड फोटो. सो अभी ये वाली पिक्चर ये रिक्रिएट करने वाली इसकी सोलो फोटो. सो लेट्स गो. सो ये है वत्सल और ये क्रिएट करने वाला है इसकी सोलो पिक्चर जो आ रही है सीधा यहाँ पर. राइट, सो वत्सल अपनी ये वाली फोटो रिक्रिएट करने वाला है. सो वत्सल नाउ इट्स योर टर्न. ये है नक्षत्र और ये रिक्रिएट करने वाला है ये वाली फोटो. सो नक्षत्र यू हैव टू रिक्रिएट दिस. गो. ठीक है, जो लुक आप देख रहे हैं वो मैंने रिक्रिएट करने के लिए मेरा येलो कलर का सनग्लास बना था और उसके नीचे व्हाइट शॉर्ट्स पहने थे. तो उसके तो ये है प्रेजेंट लक्ष्य और ये है इसकी ओल्ड फोटो यहाँ पे, एंड ही इज गोइंग टू रिक्रिएट दैट. सो ये है थर्ड पिक्चर ऑफ राउंड वन. लेट्स गो लक्ष्य. ये जो आपको फोटो दिख रही है ये क्रिएट करने के लिए मैंने एक अपना व्हाइट शर्ट पहना था जो मेरे पास पहले से था और मैंने हाथ रखा था दीदी के कंधे पे. बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था. दीदी ने क्योंकि रेड शर्ट पहना था तो लगा, हमें लगा कि वो हल्का सा रियलिस्टिक लगेगा, लेकिन मेरी शक्ल ही ऐसी हो गई है अब कि रियलिस्टिक लगा ही नहीं वो. तो ये है प्रेजेंट मिहिका माथुर और ये है इसकी ओल्ड पिक्चर यहाँ पर, एंड शी हैज टू रिक्रिएट दिस फोटो. सो मिहिका ऑल द बेस्ट. ओके, सो मैंने मेरे पास शॉर्ट्स या वो डेनिम वाली टॉप नहीं थी तो मैंने उसकी जगह ये डेनिम डाला है एंड पिंक टॉप ऐसे रैंडम कोई, एंड देन बाल के लिए मैंने ऐसे क्लच किया था ऊपर बाल. ऑब्वियसली मेरे पास प्रिंट सेम नहीं था एंड मैंने ये बैंड हटा दिया था मेरे हाथ से और चश्मा भी उतार दिया था बिकॉज मुझे चश्मा नहीं था उस टाइम. एंड ऑल्सो मैंने मेरे बाल ऊपर क्लिप कर लिए बिकॉज मेरे को उस टाइम कर्ली और बहुत छोटे नेक लेंथ हेयर थे मेरे पास. सो आई हैव टू क्लिप इट.